हाँ दोस्तों नमस्कार। कल आपने बात करी थी जीओसी की, जिसमें रिएक्टेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी और फिर हमने टेम्प्रोरी परमानेंट इसकी बात करी थी। परमानेंट में हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव रेजोनेंस इसको लिखा था और कल स्टार्ट किया था प्रेरणा प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो कल हमने माइनस आई के बारे में बताया था, छोटी मोटी एप्लीकेशन बताई थी, ज़्यादातर उसकी एप्लीकेशन रेजोनेंस के बाद होगी। तो माइनस आई का ऑर्डर याद कर लिया सबने? हाँ, तो ये माइनस आई का ऑर्डर ध्यान रखना है। अब यहाँ बात करते हैं प्लस आई प्रभाव। यदि संयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन किसी क्रियात्मक समूह से विकर्षित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्लस आई प्रभाव। यदि संयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन किसी क्रियात्मक समूह से विकर्षित होंगे तो उसे क्या कहेंगे? प्लस आई प्रभाव। ऑर्डर प्लस आई का क्रम होगा, प्लस आई का ऑर्डर O माइनस CO माइनस टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी, ये हो गया क्रम, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। ठीक है, बोलो ये सही है। अब दूसरी बात इसमें नोट करके लिखो, जनरली एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह, एल्किल समूह कौन है? CH3, C2H5, C3H7, ये वाली की बात कर रहे हैं कि समूह प्लस आई की तरह कार्य करता है। नोट नंबर टू, ये नोट नंबर क्या है? वन। ऑर्गन कार्ब धातु यौगिक में देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हिंदी में इसको कहते हैं कार्ब धातु यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक में एल्किल समूह माइनस आई की तरह कार्य करता है। ठीक है, एग्जांपल CH3MgCl प्लस और ये माइनस, तो ये क्या हो गया? माइनस आई। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में एल्किल समूह किसकी तरह काम करेगा? माइनस आई की तरह। ठीक है, इसको पहले नोट कर लो, ये प्लस आई। यदि संयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन किसी क्रियात्मक समूह से विकर्षित होते हैं तो क्या हो गया? प्लस आई, आकर्षित होते तो माइनस आई, ये क्रम इतना ध्यान रखना, ये हो गया। ठीक है, मिटा दें। प्लस आई के एप्लीकेशन वगैरह की बात ये भी पढ़ा लेंगे, तब इसके बाद रेजोनेंस के साथ एक ही साथ करेंगे रेजोनेंस के बाद। अभी तो प्लस आई माइनस से हल्का फुल्का बता दिया। इसको मिटा के फिर अब इसको आज अपने को सीखना है संकरण, क्या सीखना है? संकरण, क्योंकि अति संयुग्मन बिना इसके काम नहीं चलेगा। हो गया। अब प्लस आई का अनुप्रयोग ये सब किस में करेंगे? रेजोनेंस के बाद। ठीक है ना, आज अपने मेन मूल काम करने जा रहे हैं, कौन सा? संकरण, हाइब्रिडाइजेशन।
संकरण, ठीक है, संकरण लिख लो, दो कक्षकों के अतिव्यापन को संकरण कहते हैं। दो कक्षकों के अतिव्यापन को संकरण कहते हैं। जैसे S है, P है, D है, F। संकरण की बेसिक बात आप बायो के स्टूडेंट हो सभी लोग आप जानते होंगे। संकरण हाइब्रिड, दो कोई स्पीसीज मिले और एक नए स्पीसीज का निर्माण करते हैं, यही तो बात है। जैसे आप बायो के स्टूडेंट जानते होंगे, गधा घोड़ा मिक्स हुआ, क्या बन गया? खच्चर, खच्चर बन गया। तो ये उसका क्या है? हाइब्रिड है। तो वही बात है। तो S केमिस्ट्री में S, P, D, F ये ऑर्बिटल है। S में एक, P में तीन, D में पांच, F में सात, ठीक है ना। S P1, P2, P3, D1, D2, D3, D4, D5, F1 कहाँ तक? F7 तक। ये सीरीज अपने फिर लिख देंगे और इसी सीरीज से हमें काम लेना है। चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको क्या करना है? एक, या लोन पेयर हो, सबको एक ही ऑर्बिटल देना है, ठीक है। इसको मिटा दें। ऑर्बिटल S, P1, P2, P3, D1 से कहां तक? D5, और F1 से कहां तक? F7। ये आपका क्या हो गया? ऑर्बिटल, ठीक है। अब बात करते हैं, चाहे कोई भी हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सबको एक ही ऑर्बिटल। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसको देखो, ओपन करके देखो इसको। पहले तो इसको आराम से ओपन कर लिया। सी है, एच, हर कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है। एग्जाम में आपसे किसी स्पेसिफिक कार्बन का भी पूछ सकता है कि वन नंबर का बताओ, टू नंबर का बताओ। यहाँ हमने हर कार्बन का लिख दिया, एच एच एच। पहले इसको खोल लिया, सी एच एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच H, CH, H, H, CH, double bond C, H, H। ठीक है, अब देखो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, सबको एक ही ऑर्बिटल। S, P1, P2, ये क्या हो गया? sp2, एस पी वन पी टू, ये क्या हो गया? sp2, sp1 p2 p3, क्या हो गया? sp3। बोलो, इधर आ जाओ। sp1 p2, sp1 p2, क्या हो जाएगा? sp2, sp1 p2 p3, sp3, sp1 p2, क्या हो गया? sp2,
एस पी वन पी टू क्या हो गया, एस पी टू। बोलो, देख लो इधर, सही है। अभी मिटा दें, इसी सीरीज में चलना है अपने को, एस पी वन पी टू पी थ्री, डी वन से डी फाइव, एफ वन से एफ सेवन। ये देखो, इसके करो तुम लोग खुद ही। बेंजीन है, ये चार एग्जांपल खुद करो। प्रत्येक कार्बन के संकरण ज्ञात करो, तब तक इधर मिटा रहे हैं, खुद ही एक बार ट्राई करो। देखो इधर, कार्बन कार्बन लिख लो पहले तो, यहाँ क्या है, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ क्या है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, कार्बन कार्बन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, कार्बन दो हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है, दो हाइड्रोजन कार्बन दो हाइड्रोजन कार्बन एक हाइड्रोजन कार्बन एक हाइड्रोजन, ठीक है। इसको खोल के देख कर लेते हैं, पहले सब में हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, एच एच, ठीक है। अब देखो इधर, इसका एस पी वन पी टू क्या हो गया, हाइब्रिडेशन, एस पी टू, एस पी वन पी टू क्या हो गया, एस पी टू, एस पी वन पी टू क्या हो गया, एस पी टू, एस पी वन पी टू क्या हो गया, एस पी टू, एस पी वन पी टू क्या हो गया, एस पी टू, एस पी वन पी टू क्या हो गया, एस पी टू। बोलो, ठीक है। इसका देखो, एस सिंगल और डबल वो, एस पी वन पी टू क्या हो गया, एस पी टू, एस पी वन पी टू क्या हो गया, एस पी टू, सही है। इसका देखो, एस पी वन पी टू पी थ्री क्या हो गया, एस पी थ्री, एस पी वन पी टू पी थ्री क्या हो गया, एस पी थ्री, इसमें एस पी वन पी टू क्या हो गया, एस पी टू, एस पी वन पी टू क्या हो गया, एस पी टू, एस पी, एस पी, और ये क्या हो गया, एस पी, इधर एस पी वन पी टू पी थ्री एस पी थ्री, एस पी वन पी टू पी थ्री क्या हो गया, एस पी थ्री, एस पी वन पी टू क्या हो गया, एस पी टू, एस पी वन पी टू क्या हो गया, एस पी टू, एस पी वन पी टू पी थ्री क्या हो गया, एस पी थ्री। बोलो, सही है, इतने काम में कोई दिक्कत, कर लोगे। अब बारी आती है हाइब्रिडेशन इन, इसको पहले आराम से लिखो, तब तक मिटाएंगे उसको, हेडिंग डाल दो। कार्बोधनायन, कार्बोधनायन में संकरण, कार्बोधनायन मतलब कार्बन पे क्या हो, धन आवेश हो, कार्बोधनायन में संकरण, ठीक है। अब सुनो, सामान्यतः लिख लो, सामान्यतः धन आवेश को लिख लो, सामान्यतः धन आवेश को संकरण में नहीं गिना जाता है, सामान्यतः धन आवेश को संकरण में
नहीं गिना जाता है। सामान्यतः धन आवेश को संकरण में नहीं गिना जाता है। जैसे ये देखो CH3CH2+, या ऐसे है CH2CH2+, इसका निकालना है और इसका निकालना है, तो आराम से इसको खोल लो, CH H H H+H H, CH2CH C+H H। बोलो भाई, देखो इधर SP1P2, इसका संकरण क्या हो गया SP2, इसका संकरण क्या होगा SP2। देख रहे हो, धन आवेश को सामान्यतः संकरण में नहीं गिना जाता है। कर लोगे? कार्बो ऋणायन में संकरण, कार्बो ऋणायन में संकरण मतलब कार्बन पे ऋण आवेश हो उसमें संकरण। एक छोटी सी बात देख लो, यहां पे एक छोटी सी बात सुन लो, अगर ऋण आवेश, पहले लिख लो, लिखो लिखो पहले लिखो सामान्यतः पहले इसको लिखो सामान्यतः ऋण आवेश को संकरण में गिना जाता है। सामान्यतः ऋण आवेश को संकरण में गिना जाता है, लेकिन जब ऋण आवेश अनुनाद में हो, लेकिन जब ऋण आवेश अनुनाद में हो उसे संकरण में नहीं गिना जाता। सामान्यतः ऋण आवेश को संकरण में गिना जाता है, लेकिन जब ऋण आवेश अनुनाद में हो तो उसे संकरण में नहीं गिना जाता। अनुनाद आपको अलग से पढ़ाया जाएगा 2-3 दिन तक, लेकिन बेटा अभी ध्यान रखो, अनुनाद का मतलब है डबल सिंगल प्लस या डबल सिंगल माइनस या डबल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन या डबल सिंगल लोन पेयर, इतना तो जानते हो गए, टारगेट के स्टूडेंट हो। डबल सिंगल माइनस है तो वो क्या है, अनुनाद है। तो यही तो बात हमने लिखवाई है, सामान्यतः ऋण आवेश को अनुनाद में संकरण में काउंट नहीं करते हैं, करते हैं, सामान्यतः ऋण आवेश को संकरण में गिना जाता है, लेकिन जब ऋण आवेश अनुनाद में हो तो उसे संकरण में नहीं गिना जाता। ये बात कही हमने, इधर आ जाओ। जैसे ये है एग्जाम्पल CH3CH2-, इसका संकरण निकालना है, और एक है CH2CH CH2-, ये है। तो यहां की जो बात है इसको पहले खोल के लिख लो CH3C-HH, इसको भी खोल के लिख लो CH2CH C-HH, सही है। अब देखो SP1 P2 और ये P3, इसका संकरण क्या हो गया SP3, क्योंकि यहाँ कोई अनुनाद नहीं है, लेकिन यहाँ देखो डबल सिंगल माइनस, ऋण आवेश में क्या है अनुनाद है, तो ये अनुनाद चला गया। SP1 P2, इसका संकरण क्या हो गया SP2। ये अनुनाद नोट कर लिया, ठीक है। इधर देखो सी
CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 माइनस, माइनस ये है। इधर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C माइनस H H, इसमें इसमें कोई अनुनाद है? देखो सिंगल सिंगल S P1 P2 P3 क्या हुआ SP3। इसको देखो S P1 P2 और ये P3, लेकिन यहाँ देखो देखो ध्यान से, यहाँ डबल सिंगल माइनस है तो ये ऋण आवेश किस में है? अनुनाद में है, तो ऋण आवेश को काउंट नहीं करोगे S P1 P2। तो सुन ले बेटा, डबल सिंगल माइनस हो तो सीधे क्या लिख दो SP2, लेकिन डबल सिंगल सिंगल माइनस है तब नहीं, डबल सिंगल माइनस सिर्फ जैसे ये है, सीधे इसका क्या लिखोगे SP3, इसका डबल सिंगल क्या हो गया SP2। देख लो डबल सिंगल माइनस है तब आपको ऋण आवेश को संकरण में नहीं गिनना है, डबल सिंगल माइनस में नहीं गिनना है, और में गिनोगे भाई, जैसे एग्जांपल देखो ये HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस इसका CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस इसका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये तो PMT में आया क्वेश्चन ही है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH माइनस इसका, ठीक है, इसका पहले ये देखो आराम से बात को, ये देखो कहां डबल सिंगल माइनस है, डबल सिंगल माइनस है तो उसमें आपको काउंट नहीं करना है। पहले ध्यान से इसको आराम से एक बार आंसर लिखो, खुद ही एक बार आंसर लिखो बेटा, देखें लिख लिया आंसर, अब शुरू करते हैं। यहां कोई बेटा अनुनाद है, कोई रेजोनेंस है? नहीं है, तो SP क्या हो गया SP, यहां SP1 P2 क्या हो गया SP2, यहां देखो SP ये लिखा है, यहां देखो SP1 एक बॉन्ड P2, यहां क्या हो गया SP2, यहां देखो कोई रेजोनेंस है? नहीं है, डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, तो यहां C है H है SP1 P2 P3 क्या हो गया SP3, यही डबल बॉन्ड यहां होता तो क्या लिखते SP2। देख लो एकदम आराम से, GOC में एकदम बेसिक से धीरे धीरे काम करना है तो इससे अच्छा कर सकते हो। रेटिंग डालो लोन पेयर में संकरण, एकांकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में संकरण, लोन पेयर में संकरण देखो CH3 CH2 NH2
सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच एन एस टू, ठीक है। पहले तो एक लाइन इसमें लिखो, डबल सिंगल लोन पे अनुनाद है, इतना बात समझते हो। लिखो सामान्यतः, आराम से लिखो, सामान्यतः लोन पेयर को, सामान्यतः लोन पेयर को, सामान्यतः लोन पेयर को संकरण में, सामान्यतः लोन पेयर को संकरण में गिना जाता है, सामान्यतः लोन पेयर को संकरण में गिना जाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन यदि, लेकिन यदि लोन पेयर अनुनाद में हो, लेकिन यदि लोन पेयर किसमें हो, अनुनाद में हो, तो उसे संकरण में नहीं गिना जाता। लेकिन यदि लोन पेयर अनुनाद में हो तो उसे संकरण में नहीं गिना जाता, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ कहीं अनुनाद है भाई, इसका निकालना है अपने को, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, तो इसको आराम से लिख लिया सी एस थ्री सी एस टू एन लोन पेयर एच एच। कहीं कोई अनुनाद है, नहीं है, तो इसको लोन पेयर काउंट करोगे एस पी वन पी टू पी थ्री, संकरण क्या हो गया एस पी थ्री। इसमें क्या है, अनुनाद में है, तो इसको संकरण में नहीं गिनोगे सी एच एन लोन पेयर एच एच एस पी वन पी टू, क्या हो गया एस पी टू, ठीक है। एस पी वन पी टू पी थ्री, क्या हो गया एस पी थ्री। लोन पेयर किस में चला गया, अनुनाद में। देखो डबल सिंगल लोन पेयर इसमें नहीं गिना, लेकिन यहाँ लोन पेयर किस में गया, अनुनाद में, एस पी वन पी टू, इसमें संकरण क्या होगा एस पी टू, ठीक है। आ जाओ, ये देख रहे हो भाई, क्या देख रहे हो, यहाँ देखो कोई अनुनाद है, नहीं है, तो एस पी वन पी टू पी थ्री, इसका संकरण क्या हो गया एस पी थ्री, कोई अनुनाद नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो दो लोन पेयर है ना, एक ही अनुनाद में जाएगा, कितने जाएंगे एक, तो एक चला गया अनुनाद में एस पी वन पी टू, इसका संकरण क्या हो गया एस पी टू। यहाँ देखो कहीं कोई अनुनाद नहीं है, देख लो ध्यान से एकदम, एस पी वन पी टू पी थ्री, क्या हो गया एस पी थ्री। हाँ यहाँ कन्फ्यूज मत होना बेटा, दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, तो ये मत समझना कि एक लोन पेयर इधर एक लोन पेयर है, एक बार में एक ही लोन पेयर अनुनाद में जाएगा, तो एक ही जाएगा बस, तो एस पी वन पी टू, संकरण क्या हो गया एस पी टू। सेम नीचे एकदम सेम वही एग्जाम्पल लिखा है, बस ओ की जगह पे सल्फर कर दिया है। देखो एस पी वन पी टू पी थ्री, क्या हो गया एस पी थ्री, एक बार में एक ही लोन पेयर अनुनाद में जाएगा, तो एस पी वन पी टू, क्या हो गया एस पी टू। आराम से वीडियो को पॉज करके
आराम से इसको देख लो, सिंपल सी बात है, कोई ऐसा लफड़े वाली बात नहीं, सब में एग्जांपल लिख ही रहे हैं अपने खूब। नोट करके लिखो, इसमें लिखो डबल बॉन्डेड एटम, दुई बंधित, डबल बॉन्डेड दुई बंधित परमाणु, डबल बॉन्डेड एटम पर लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेगा, अनुनाद में भाग नहीं लेगा, अतः उसे संकरण में काउंट करेंगे, अतः उसे संकरण में काउंट करेंगे। डबल बॉन्डेड एटम पर लोन पेयर होगा, उसे अनुनाद में भाग नहीं लेंगे, अतः उसे संकरण में काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल ये एग्जांपल ये है, इसका संकरण गिनना है, इसका संकरण गिनना है। अगर मान लो बेटा, अगर ये लोन पेयर अनुनाद में चला जाता है, ठीक है, अगर ये लोन पेयर अनुनाद में चला जाएगा तो संकरण, तो वो चला गया मतलब इसे संकरण में नहीं गिनेंगे, तो संकरण क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा संकरण, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लीनियर होगा, तो रिंग टूटने की संभावना बढ़ जाएगी, इसीलिए इसको नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो, लोन पेयर किस में चला गया, अगर जो रेजोनेंस में चला गया तो उसको नहीं गिनोगे, संकरण क्या होगा, एसपी होगा, तो संरचना क्या होगी, रेखीय हो गया, तो रिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, इसलिए इसको काउंट करते हैं, तो sp1 p2। एक और एग्जांपल की बात करें तो एक और देख लो, sp1 p2 डबल बॉन्डेड एटम पे लोन पेयर होगा तो अनुनाद में भाग नहीं लेगा, अतः उसे संकरण में गिना जाएगा। ठीक है, इधर का मिटा दे रहे हैं, तब तक वो नोट कर लो आराम से, एग्जांपल कॉपी पे लिखा करो बेटा, वीडियो शो के नहीं देखना है, कॉपी पे लिखो, आगे चल रही है उसको पॉज करके, कोई चीज छूट रही है तो उसको पॉज करके आराम से देख लो। ठीक है बेटा, फ्री रेडिकल में संकरण, फ्री रेडिकल में संकरण मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो उसमें संकरण, जैसे CH3 CH2 फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, CH3 CH H। ठीक है, और चाहे ऐसा भी हो CH2 सामान्यता देख लो, सामान्यता एक इलेक्ट्रॉन को संकरण में नहीं गिना जा सकता, गिना जाता है, कभी कभी गिना जाता है, वो इनऑर्गेनिक में एक दो जगह एक्सेप्शन है वहाँ गिना जाता है, लेकिन यहाँ नहीं गिना जाएगा। इसमें देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, अब इसका संकरण sp1 p2, एक इलेक्ट्रॉन को नहीं, sp1 p2 क्या हो गया, sp2 बोलो, सही है, मिटाएं,
बात सुन लो, ये टर्म हम जनरली लिखने जा रहे हैं, ERA जनरली। पहला, यदि संकरण SP तो संरचना क्या हो गया, लीनियर रेखीय, परसेंटेज ऑफ S करेक्टर, S प्रतिशत कितना होगा, 1/2 × 100 क्या हो गया, 50%। यदि संकरण क्या है, SP है, तो संरचना क्या हो जाएगा, रेखीय, परसेंटेज ऑफ S करेक्टर 1/2 × 100 क्या हो गया, 50%। ठीक है, मिटा दें, कर लोगे। दो नंबर की बात, यदि संकरण SP2 तो संरचना क्या हो जाएगी, समतलीय, 1/3 × 100 क्या आ जाएगा यहाँ, 33.33। बोलो, दो नंबर की बात हो गई, कोई दिक्कत, नोट कर लिया। यदि संकरण SP2 संरचना समतलीय, पर S प्रतिशत क्या होगा, 1/3 × 100, 1 S है और 3 टोटल हैं, 100। तीसरे नंबर की बात, यदि संकरण SP3 तो संरचना चतुष्फलकीय, ये क्या हो गया, 1/4 25%। ठीक है, इस पर बहुत शानदार सा क्वेश्चन, देखो इस मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, एक जगह वैसे आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन है कि हमने कहा था ना कुछ चीजें GOC से कनेक्टेड है, वही वाली बात है यहाँ पे। क्वेश्चन लिख लो फटाफट। यौगिक दिए गए यौगिक में रेखीय रूप में, दिए गए यौगिक में रेखीय रूप में, क्वेश्चन लिख लो पहले, दिए गए यौगिक में, दिए गए यौगिक में रेखीय रूप में व्यवस्थित कार्बन परमाणु की अधिकतम संख्या है, दिए गए यौगिक में रेखीय रूप में व्यवस्थित, रेखीय रूप में व्यवस्थित कार्बन परमाणु की अधिकतम संख्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें दो यौगिक दिया गया है, उसमें रेखीय रूप में व्यवस्थित कार्बन परमाणु की अधिकतम संख्या कितनी है। तो देख लो, ये तो है SP, ये भी क्या है SP, तो ये कंपल्सरी है कि इसका संकरण क्या होगा, SP है तो क्या होगा, संरचना रेखीय होगी, रेखीय होगी। अब इसमें जो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, क्या है, डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, रेखीय होगा। तो दो तो ये फिक्स हैं, इससे डायरेक्ट ये कनेक्टेड है, 3 और 1 4, आंसर क्या हो गया, 4। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, वही क्वेश्चन है, दिए गए यौगिक में रेखीय रूप में व्यवस्थित परमाणु की अधिकतम संख्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3। क्वेश्चन वही है, क्या है, दिए गए यौगिक में रेखीय रूप में व्यवस्थित अधिकतम परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, रेखीय रूप में व्यवस्थित अधिकतम परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, तो ये तो क्या है, SP, ये क्या है, SP, सही है, इससे डायरेक्ट अटैच, और ये भी क्या है, SP, ये भी क्या है, SP, चार तो फिक्स है बेटा, चार क्या है, फिक्स है, लेकिन इससे डायरेक्ट कौन अटैच है, ये, तो 1, 2, 3, 4 तो ही है, 1/5 ये है और 1/6 ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। आराम से देख लो, दो क्वेश्चन कर दिए इसको, एक दिया था मॉड्यूल में, एक अपनी तरफ से कर दिया आपने।
ठीक है। तो आज जो बारी बात की हमने प्लस आई पर हो, हमने कहा एप्लीकेशन का टर्म रेजोनेंस के बाद ही कर पाएंगे अच्छे से, तो वहाँ तो लिख देंगे, लेकिन आज मेन मुद्दा ये है। दूसरी बात, हमने प्लस आई का ऑर्डर लिखा, लास्ट टर्म पे माइनस आई का ऑर्डर लिखा था, उसको आपको याद करना है। प्लस आई का ऑर्डर आज याद कर लेना, ओ माइनस है, सी ओ माइनस है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। फिर हमने लिखा हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान से सुनो, प्लस चार्ज को जनरली नहीं लेते हैं, माइनस चार्ज को लेते हैं, लेकिन अगर जो ऋण आवेश अनुनाद में हो तो उसे ही नहीं लेते हैं। अनुनाद एक हमने शॉर्ट फॉर्म बता दिया, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल प्लस, यही क्या है अनुनाद। फिर हमने लोन पेयर, लोन पेयर को संकरण में काउंट किया जाता है, लेकिन जब लोन पेयर संकरण में अनुनाद में होगा तो उसे संकरण में नहीं गिनेंगे। बोलो बेटा, ठीक है। फिर बात करें किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की, नहीं काउंट करोगे, सही है ना, बोलो क्लियर। फिर हम बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे जो संकरण जिसके लिए समझाया है वो किसके लिए समझाया है, अतिसंयुग्मन के लिए। तो इसको मिटा दें पहले, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, अति संयुग्मन। अति संयुग्मन इसको अपने को पढ़ना है, ये आपका आराम से 2 दिन का लेक्चर है, इसके एप्लीकेशन इसका यहीं करा जाएगा, क्योंकि इसका ज़्यादातर उसके साथ इन्वॉल्वमेंट कम ही होता है। तो हमसे तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अतिसंयुग्मन कौन शो करेगा, इसमें क्या क्या पढ़ना है, देख लो कि अतिसंयुग्मन कौन शो करेगा। पहली बात, किसने इसको समझाया था बेकरनाथन, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एप्लीकेशन, एल्कीन की स्टेबिलिटी इसी से होगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इसी से होगी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजन, हीट ऑफ कम्बसन, इतना आपको करना ही करना इसमें है। अभी जनरली सोचो क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, करेंगे अगली क्लास में इसको पूरा विधिवत, अभी हल्का सा आइडिया ले लो, थोड़ा टाइम है। तो CH3CH2+, ठीक है ना, ये है CH, यहाँ C+H, यहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसमें जंप कर सकता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, कम है, तो इसमें जंप कर सकता है। तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड, और ये इसमें क्या है, पी ऑर्बिटल, तो इसी की जो ओवरलैपिंग होती है उसी को क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब मोटा मोटी कार्यक्रम ये है कि प्लस चार्ज, क्या प्लस चार्ज या फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वही क्या शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से सुन लो, sp2 मतलब कुल मिला के sp2 के बगल में कार्बन, इसीलिए तो अल्फा हाइड्रोजन आपको बताया गया था, ठीक है ना। तो इसके अपने डिफिनेशन लिखेंगे, फिर अपने नेक्स्ट क्लास में इसको हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे। आज वाले में कोई दिक्कत, संकरण निकाल लो किसी का, प्लस आई जो विकर्षित होता है वो क्या होगा, प्लस आई, आवेश समूह से विकर्षित होना क्या होगा, प्लस आई। उसके बाद प्लस आई का ऑर्डर पक्का याद करना बेटा, माइनस आई प्लस आई का ऑर्डर याद करना कंपलसरी है। संकरण धन आवेश को संकरण में नहीं गिनते हैं, ऋण आवेश जब अनुनाद में है तो नहीं गिनेंगे अन्यथा गिनेंगे, लोन पेयर अनुनाद में होगा तो नहीं गिनेंगे अन्यथा गिनेंगे। बोलो, मुक्त मूलक नॉर्मली नहीं गिनते हैं, फ्री रेडिकल को, फ्री रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक उसी कहते हैं। बोलो, फिर एग्जाम्पल उसके कई रखे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो इसके बाद बोलो, यहाँ तक में कोई समस्या, पेपर कर लिया होगा, पेपर करके बेटा एक एक क्वेश्चन देख लेना, देख लिया ना, उसके बाद से वीडियो के साथ चलो, कोशिश करो कॉपी पे लिखा जाए इसको, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी, इसमें नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे क्या, हाइपर
कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद बात करेंगे अपने एप्लीकेशन की, और फिर रेजोनेंस पे एरोमेटिसिटी वगैरह, फिर एसिड बेस, इतना ही काम इसमें करना आपको, ठीक है बेटा, कर लोगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं। लीनियरली अरेंज एटम के बारे में बात कर ली आप लोगों ने, लीनियरली अरेंज जो एसपी है वो तो लीनियर है ही है, और जो उससे डायरेक्ट अटैच होगा, बोलो कर लोगे, कोई लफड़ा इसमें नहीं है ना, तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपने क्या स्टार्ट करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।